जी हेलो एवरीवन, वी विल बी रिवाइजिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 एंटायरली। हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हम लोगों ने लॉ में एबीसी एनालिसिस करा है। उसमें एक कैटेगरी का टॉपिक होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3। पिछले 8 अटेम्प्ट में से 7 बार इसमें से क्वेश्चन आया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितना ज्यादा होगा। एंड दिस रिवीजन विल बी अ वेरी वेरी हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल्ड रिवीजन, जिसमें हम हर पॉइंट ऊपर से अंदर से सब जगह से कवरअप करेंगे। आइए सर पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सर कौन लोग कॉम्पिटेंट है वो इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला, हु इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिन्होंने मेजॉरिटी की एक्ट अचीव कर ली है। दूसरा, जो साउंड माइंड के हैं। तीसरा, जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं बाय फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी लॉ ने इनको अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। नाउ सर 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमको, तो हम इसको ए, इसको बी, इसको सी बोलते हैं। पहला ए पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी रेगुलेट होती है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 से, और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 बोलता है हर वो पर्सन जो डोमिसाइल्ड है इंडिया के अंदर, अगर उसने 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया, उसकी 18 साल के बर्थडे का केक कट चुका है, तब माना जाएगा कि वो क्या हो गया है, वो मेजर हो गया है। चलिए उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू माइनर, हमको इसमें 15 पॉइंट्स पढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको 15 लाइन से याद नहीं करने हैं, इनके इंडिविजुअल पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं। तो सर जब भी अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 5-5 पॉइंट्स के 3 सेट बनाएंगे। ऐसे मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, ये हम लोग 5-5 पॉइंट के 3 सेट्स बनाएंगे और उसको कवर अप करेंगे। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करे हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले दिन से वॉइड होते हैं, void थे, void ही रहेंगे। इट इज void ab initio राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, इट इज void। केस लॉज हमारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत जल्दी एक पूरा का पूरा केस लॉ पर वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारे केस लॉज पढ़ेंगे, कुछ नहीं। तो जब भी केस लॉ रिवाइज करना है सिर्फ वो वीडियो देखना है और हमारे केस लॉ रिवाइज हो जाएंगे, और एग्जाम वाले दिन जरूर देख के जाना केस लॉ के वीडियो को। नाउ केस लॉ है मोहारी बीबी वर्सेज धारमदास घोष, 1903 का केस है। उसमें ऐसा हुआ था कि ए ने कुछ अमाउंट बोरो करा था बी से, और सिक्योरिटी में कुछ मॉर्गेज में उसने उसको उसकी कुछ प्रॉपर्टी, गोल्ड, कुछ उस टाइप की चीजें दे दी थी। माइनर, ए माइनर था, बाद में मेजर हो गया, और उसने केस फाइल करा और बोला कि जो भी मैंने मॉर्गेज एग्जीक्यूट करा था उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उस समय तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था। कोर्ट ने भी माइनर का साथ दिया और बोला कि ये जो मॉर्गेज था वॉइड था, और बी को पैसे भी नहीं मिलेंगे, और इनफैक्ट उसको मॉर्गेज भी रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए सर उसके बाद हम लोगों को तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि सर कॉन्ट्रैक्ट करा जब आप माइनर थे, जब आप मेजर बन गए तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर देंगे, ना, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई एग्रीमेंट अगर वॉइड एब इनिशियो है तो वो वॉइड ही रहेगा, वो वैलिड कभी नहीं बनेगा, गलत चीज को नहीं सुधारा जाएगा। फिर है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है या वो कहीं पर बेनिफिशियरी है। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कोई भी उसको प्रिवेंट नहीं करता है, अदर पार्टी बाउंड टू माइनर। अगर ये बेनिफिशियरी है तो माइनर वो क्लेम कर सकता है, पर माइनर के ऊपर लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को प्लीड करेगा, चाहे उसने दो केस स्पेशली ध्यान रखना, मैंने आपके लिए पहले से हाईलाइट कर लिए, अगर उन्होंने कोई लोन लिया है या उन्होंने अपने आप को गलत रिप्रेजेंट करा है कि मैं मेजर था, स्टिल सामने वाले की गलती। अगर माइनर ने झूठ बोल के लोन लिया है या माइनर ने अपने आप को झूठ बोल के मेजर बताया, कॉन्ट्रैक्ट कराए, सामने वाले की गलती अगर वो नहीं पकड़ पाया, तो माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी प्लीड करेगा। रूल ऑफ एस्टोपल होता है, जो हम रिप्रेजेंटिंग रूल बोलते हैं, वो अप्लाई माइनर के केस में होता है, इसलिए माइनॉरिटी हमेशा, माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी डिफेंस में प्ली करेगा और जीतेगा। क्लियर? पांच पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई हुई है, ये प्रोविजन सेक्शन नंबर 68 में है, तो वो चीज इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। बट उसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा था वो गुड्स रीजनेबली थे टू सपोर्ट माइनर इन स्टेशन इन हिज लाइफ। जिस समय पर, जिस मोमेंट पर उसकी जिंदगी चल रही है, उस मोमेंट पर वो जो गुड्स आपने उसको सप्लाई करे हैं वो बहुत जरूरी थे। और दूसरी चीज, उसके पास कहीं और से इसका सफिशियंट सप्लाई नहीं था उसको लाइफ में। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए आपको बुक सप्लाई करना बहुत जरूरी थी, आपने बुक सप्लाई करी है।
वो सीए आदमी है, उसको आपने मोटिवेशन दिया है, वो सीए कर रहा है, आपने उसको बुक्स अप्लाई करी है, उस समय उसकी लाइफ में वो चीजें बहुत जरूरी थी, तो क्या आप बाद में बुक्स का क्लेम कर सकते हो, बुक्स के अमाउंट का क्या? यस. अलसा ये ध्यान रखना है कि आपको और कहीं से बुक्स नहीं आ रही हो. सपोज वो प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करा तो वहां से उसको बुक्स आ रही थी, आपको बुक्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो माइनर की पर्सनली लाइबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, और माइनर की स्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी को लाइबल करने के लिए आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़े. 15 पॉइंट पढ़ने हैं, 5 पॉइंट का एक सेट खत्म. अगले 5 पॉइंट की आज्ञा लेते हैं सर. नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स हमको पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10. नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. हमको माइनर से ही परफॉर्मेंस चाहिए था. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने माइनर एक 16 साल का, हम चाहते थे कि वो हमारे बेटे को क्या करे, क्रिकेट में ट्रेनिंग दे. हमने उससे एग्रीमेंट करा, आप सामने वाले ने मना कर दिया, मैं क्रिकेट में ट्रेनिंग नहीं दूंगा, पर हमने बोला सर हम और किसी ट्रेनिंग नहीं ले सकते क्योंकि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए. भाई जब कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वॉइड है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो क्वेश्चन अराइज होगा भी नहीं. कोई चीज जो वॉइड है वो वॉइड है, चाहे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जनरल परफॉर्मेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. सेवेंथ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन. दो चीज ध्यान रखना है, मैंने यहाँ नीचे लिख के दिया है. गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो चलेगा, माइनर के बेनिफिट के साथ के लिए होना चाहिए. अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा. एट है नो इंसॉल्वेंसी. माइनर को क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करोगे सर? माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट्स. क्या माइनर डेट्स केपेबल है क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं सर, माइनर डेट्स ही केपेबल ही नहीं है. माइनर डेट ही नहीं ले सकता है, वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता है लोन लेने का, तो सर माइनर के साथ करे हुए कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, इनकेपेबल होते हैं, इसलिए उसको इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो सब लोग. पार्टनरशिप की बात करें, माइनर बींग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर क्या है सर? माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. सॉरी, माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. तो फिर सर जब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर नहीं बन सकते. हाउएवर ये अभी तक के प्रोविजंस तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थे. हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 बोलता है कि माइनर को एडमिट कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए. तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना करा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हाँ करी. दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है, दोनों पॉइंट लिख के जरूर जरूर. 10th है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन. माइनर कभी भी अपनी हरकतों के लिए पेरेंट को या गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता. ऐसा नहीं माइनर लोन लेके आ गया तो उसकी मम्मी पापा रिस्पॉन्सिबल है. नो, माइनर के साथ करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो इन्फोर्स ही नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर भी. हाउएवर पेरेंट्स लायबल तभी होंगे जब बच्चा पेरेंट्स का एजेंट बन के काम करेगा. उसके फादर ने बोला मुझे रिप्रेजेंट करके वहां से उधार लिया, मुझे रिप्रेजेंट करके वहां से लोन लिया. नाउ जब वो जो बच्चा है वो माइनर है और वो एजेंट है किसका? उसके पेरेंट्स का. तो एजेंट के केस में प्रिंसिपल की लाइबिलिटी आती है, इसलिए माइनर एजेंट होने के कारण उनके मदर फादर या गार्जियन की लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं. हाउएवर इसकी लाइन आपको हमेशा स्टार्ट करना इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी. अगर अथॉरिटी दे रखी तो फिर तो बात अलग है, पर अगर अथॉरिटी नहीं दे रखी एक्सप्रेस या इंप्लाइड तो इन्फैंट या माइनर कभी भी अब किसी को लायबल नहीं कर सकता. इन्फैक्ट वो नेसेसरी के लिए भी नहीं कर सकता है. भाई मेरे मम्मी पापा बाहर गए थे, मैं 16 साल का एक छोटा सा बालक था, मैंने जाके किराना स्टोर से ज्यादा कुछ नहीं करा, 5,000 रुपए की ओरियो बिस्किट खरीद लिए. मैंने उन भैया को बोला मेरे मम्मी पापा बाहर गए आप दे दो, उन्होंने मुझे दे दिए. जैसे ही मॉम डैड आ रहे थे एयरपोर्ट से आ रहे थे, कैब रस्ते में रोक ली, उस किराना स्टोर वाले भैया ने बोला वो 5,000 दे दो, छोटू क्या कर रहा है 5,000 के ओरियो बिस्किट ले गया. मम्मी ने वहीं चाटा दिया किराने वाले को, बोले बोला किसने था आपको ओरियो बिस्किट देने का, मैं उसको पार्ले जी भी हफ्ते में 3 बार देती हूँ, आपने दिया कैसे उसको ओरियो बिस्किट? उसने बोला नेसेसरी थी उसके लिए सप्लाई करना. उसने बोला कराए तो जाओ उसकी प्रॉपर्टी से लो, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. क्या पेरेंट्स और गार्जियन रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? नहीं, पेरेंट्स और गार्जियन इन जनरल केसेस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ माइनर. 15 पॉइंट पढ़ने सर, 5-5 के दो सेट निपट गए, अब आखिरी 5. चलो सर, माइनर एजेंट बन सकता है क्या? बना लो सर, किसने रोका? बना लो, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं सर, माइनर एजेंट बना लो, पर वो फिर अपने एक्ट के लिए प्रिंसिपल के ऊपर लायबल नहीं रहेगा. दूसरी चीज, माइनर क्या कर सकता है? माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अभी के लिए ऐसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कुछ नहीं, पर इंटर में बस 10-12 क्लास लगती है समझने में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. अभी के लिए आप समझ लो चेक, जो नॉर्मल चेक होता है, इट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो माइनर ये सब काम कर सकता है. चलिए सर, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट. अगर माइनर और एडल्ट के ऊपर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कराए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कौन लाइबल? एडल्ट. माइनर लाइबल
नहीं है। भले सर माइनर के 80% शेयर हो, एडल्ट का 20% शेयर हो, स्टिल सिर्फ और सिर्फ कौन लाइबल? ओनली एंड ओनली एडल्ट लाइबल। ठीक है, चलिए सर। केस लॉ है, वेयर देयर इज जॉइंट प्रॉमिस बाय टू परचेसर, वन ऑफ देम इज माइनर, इट इज हेल्ड दैट द वेंडर कुड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेसर। दो लोगों ने मिलकर खरीदा, मेजर और माइनर, पर इन्फोर्स किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ मेजर के ऊपर, श्योरिटी ऑफ माइनर। अगर कोई एडल्ट श्योरिटी लेता है माइनर की, देन एडल्ट इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। माइनर को लोन चाहिए था, यूं तो मिल नहीं रहता, हमने श्योरिटी पे दे दिया, हमने श्योरिटी दी बैंक को, हमने गारंटी दी माइनर को, लोन दे दो। बैंक ने माइनर को लोन दे दिया, माइनर के पास गए, माइनर ने बोला आई कैन ऑलवेज प्लीड माई माइनॉरिटी, मैं तो लोन नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, किसके ऊपर आ जाएगी लाइबिलिटी? श्योरिटी के ऊपर, जिसने गारंटी ली है। माइनर है शेयर होल्डर, सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो फिर माइनर शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है। अगर गलती से माइनर को शेयर्स अलॉट हो गए, कंपनी को ध्यान नहीं रहा कि 18 साल से छोटा का बालक है और इसको फिर भी शेयर्स अलॉट हो गए, तो क्या करना पड़ेगा सर? कंपनी कैन देन इन दैट पर्टिकुलर कैन रिस्काइंड द ट्रांजैक्शन और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दे। माइनर में एक्टिंग थ्रू लॉफुल गार्जियन शेयर होल्डर बन सकता है, पर सिर्फ कब? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट आर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स? बिना पैसे दिए शेयर्स आ जाए उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अपने मदर फादर से इनहेरिट होके आ जाए, शेयर्स गिफ्ट में आ जाए, तो सर मेरे को शेयर होल्डर बना दो, पर मैं खुद अपने पैसे देके शेयर्स नहीं खरीद सकता बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। देन आखिरी पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब सिविल रॉन्ग। माइनर अगर कुछ गलत करता है, माइनर किसी का मर्डर कर देता है, माइनर किसी के ऊपर गाड़ी चला देता है, माइनर पुलिस वालों ने माइनर को पकड़ा, माइनर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आई एम माइनर, आई एम नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, पुलिस वालों ने एक चौटा दिया खींच के, बोला तू माइनर है, तेरे सारे नखरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाता है। भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो तू लाइबल नहीं है ना, बट तूने क्राइम करा है तो तू 100% लाइबल है। तो वही तो होता है टॉट। टॉट मतलब होता है सिविल रॉन्ग। अ माइनर इज लाइबल इन टॉट अनलेस दैट टॉट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बचा लेगा, पर अगर आपने टॉर्ट कराए, कुछ सिविल रॉन्ग कराए, तो फिर तो आप इंडियन पीनल कोड से सजा सुना दी जाएगी, आपको कोई बचत नहीं हो। क्लियर है? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे क्या, 15 पॉइंट हो गए सर। हम पढ़ रहे थे हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी निपट गया, उसमें 15 पॉइंट माइनर के भी निपट गए। दूसरा क्या पढ़ना है? Who is of sound mind and who is not disqualified? So B and C. चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले B, person of sound mind. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if he is capable of understanding and forming a rational judgment. Contract करते समय वो contract को समझ सके, contract के implications को समझ सके और एक judgment बना ले कि इसके implications मुझे क्या आएंगे। अगर इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते समय इतनी सद्बुद्धि में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहा है और एक रैशनल जजमेंट बना रहा है कि इसके इफेक्ट्स मेरी लाइफ पर क्या आने वाले हैं, माना जाएगा कि वो साउंड माइंड का है। अब पर्सन यूजुअली जो अनसाउंड माइंड का रहता है, कोई आदमी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो दिन भर में 16 घंटे क्या करता है? ड्रंक रहता है, तो क्या साउंड माइंड का है क्या आदमी? नहीं। तो अगर कोई पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। कब? जब वो साउंड माइंड का है। कोई इंसान, आई एम सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, कोई पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, जो यूजुअली ड्रंकन है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। जब वो साउंड माइंड का हो उस समय उससे कॉन्ट्रैक्ट करा लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय साउंड माइंड का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के ठीक बाद 1 घंटे बाद आदमी फिर से झूमने लगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कॉन्ट्रैक्ट करते समय यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है, सर उसको कॉन्ट्रैक्ट करा लो जब वो साउंड माइंड का है। कभी कभार वो अनसाउंड माइंड का होता है तो ऑफकोर्स उस समय उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, तो आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया है। एंड द थर्ड वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये डिस्क्वालिफिकेशन या तो आपके पॉलिटिकल स्टेटस से या कॉर्पोरेट स्टेटस से या लीगल स्टेटस से आते हैं। हाउएवर आपको सिर्फ ध्यान ये रखना, ये सारे पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। फॉरेन सॉवरेनर्स एंड एम्बेसडर्स, एलियन एनिमीज, कॉर्पोरेशन, कॉन्विक्ट्स और सॉल्वेंट्स इनसॉल्वेंट्स, ये सारे के सारे लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। अब सर एक बड़ा टॉपिक पिक करते हैं, फ्री कंसेंट।
ये फ्री कंसेंट क्या लफड़ा है सर, यहाँ पर देखा जाएगा आपने कंसेंट कब दी है। इसमें हम देखो फ्री कंसेंट का मीनिंग, कंसेंट का मीनिंग, फिर फ्रॉड, सबसे पहले सॉरी सबसे पहले कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये 5 पॉइंट पढ़ना है। अब जब मैं इतना इम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ मतलब एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, पढ़ना ही है वो तो पक्की बात है। चलो सर, तो आगे से अब जो 15-20 मिनट अपन स्पेंड करेंगे ऑन कोर्शन, फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, विच विल गिव यू इवेंचुअली वन क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, और बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है कि आए ही सही। सबसे पहला, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, एक दो तीन चार, ये चारों से हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, पर मिस्टेक से हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अभी गलती हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही करना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब क्या होता है सर? कंसेंट मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम थिंग को सेम सेंस में एग्री करें। व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, दे आर टोल्ड एज दे आर गिविंग अ वैलिड कंसेंट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सेम थिंग इन सेम सेंस बट वी अंडरस्टैंड फॉर द होल ऑफ द एग्रीमेंट। अपने एग्रीमेंट में 15 पॉइंट है, आप 15 पॉइंट वैसे ही समझे जैसे मैं चाहता था, एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो फिर कंसेंट नहीं मिली है। जब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कोई फंडामेंटल एरर करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्सन डील विद मैटर ऑफ एग्रीमेंट, इन सब केसेस में माना जाएगा वो सेम थिंग सेम सेंस में एग्री नहीं करें। कौन सी चीज सर? ट्रांजैक्शन का नेचर, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, आप टू व्हीलर समझ गए। एज टू पर्सन डील विद, मैं आपके ब्रदर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, आप अपने आप से समझ गए। एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट, जिस चीज के लिए एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट ही आप गलत समझ गए सर, तो क्या आपने कंसेंट दिए क्या? नहीं सर। एंड इफ दे डू नॉट एग्री फॉर द सेम थिंग इन सेम सेंस, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अराइज। अब कंसेंट सर फ्री भी हो सकती है, नॉट फ्री भी हो सकती है, पर सिर्फ फ्री कंसेंट जरूरी है। अगर आप प्रेशर में कंसेंट दे रहे हो फॉर एग्रीइंग फॉर द सेम थिंग इन सेम सेंस, तो फिर ऑफकोर्स सी बात है कि सर वो कंसेंट वैलिड नहीं होगी। 15, 16, 17, 18, इन चारों में अगर फ्री कंसेंट नहीं है, इन चारों में ऑफकोर्स फ्री कंसेंट नहीं होगी, 15, 16, 17, 18 ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, अभी पढ़ के आए ऊपर। मिस्टेक होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। नाउ कोर्शन क्या होता है? डराना, धमकाना, चमकाना और सामने वाले की प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए चमकाना। ये सारी हरकतें हम इसलिए कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। तो मतलब डेफिनेशन की हिंदी हो गई, आ जाओ इंग्लिश वर्जन पे। अब द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, वी आर डूइंग समथिंग विच इज फॉरबिडन बाई इंडियन पीनल कोड, और वी आर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। हम चमका रहे हैं या हम डिटेन कर चुके हैं किसी की प्रॉपर्टी, प्रिजुडाइज टू एनी पर्सन, जो हार्मफुल है उस बंदे के लिए, और ये सब काम, ये सब कार्य सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। आपने सामने वाले के ऊपर गन रखी और बोला गाड़ी भेज दो, उसने बोला नहीं, हमने बोला गन को लोड किया, उसने बोला लाओ कहाँ साइन करना है। आपने ये गन उसको रखी इसलिए आपको मारना नहीं थी, आपको पता था गन चलाएंगे तो अपने हाथ में 10 दिन तक पेन रहेगा, पर आपने गन रखी इसलिए कि यू वॉन्ट हिम टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कार सेलिंग विथ यू। इज दैट अ कोर्शन? यस सर। चलिए सर, इसेंशियल्स क्या है इनग्रेडियंट्स कोर्शन के लिए? सबसे पहले डेफिनेशन को एलोबरेट करना है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्रेजराइज टू एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट। हम लोग इसको फ्रॉड बोलेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इट इज टू बी नोटेड दैट आप जहां पर फ्रॉड कर रहे हो वहां पर इंडियन पीनल कोड लगता था या नहीं लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड फ्रॉड ही रहेगा। अगर इंडियन पीनल कोड कश्मीर में नहीं लग रहा है, हम कश्मीर लेके उसको घुमाने की बजाय और हम लोग वहां उसको डरा रहे चमका रहे, बोले यहाँ तो इंडियन पीनल कोड लगता ही नहीं है, वैसे नहीं चलेगा सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडियन पीनल कोड इन्फोर्स हो या नहीं। और इससे यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्शन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट करे, कोर्शन कोई भी कर सकता है। अब आप समझो बात को, वो अपने तारक मेहता में दुबला सा लड़का कौन है, इसकी शादी नहीं हो रही है, पोपट लाल, पोपट लाल चार लोगों को चमकाने से लग गया, अब चमक पाएंगे लोग उससे? आपको लगता है लोग डरेंगे उससे? यस और नो? उसी के छाते से उसी को मार के वापस भेज देंगे? अब आप समझो बात को, उसने बोला अपन नहीं डर सकते, अपन क्या, वो क्या किसको लेके चले गया? थोड़ी को, थोड़ी मारे नहीं मारे, उतावला तो एक बार हो ही जाता है मारने के लिए।
अब वो सोडी को लेके चलेगी, आप क्या सर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या सोडी? नहीं सर, पोपटलाल और किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट क्या कोई थर्ड पार्टी भी आगे चमका जा सकती है क्या? यस, उसमें क्या दिक्कत है? बट चमकाने का लॉजिक क्या होना चाहिए? दैट यू शुड एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलो नाउ सर, इफेक्ट ऑफ कोर्शन, कोर्शन के इफेक्ट क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंड्यूस्ड है कोर्शन से वो वॉइडेबल है। किसके पार्ट? एक पार्टी के हाथ पर वॉइडेबल है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दे चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छोड़े। और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करना चाहते हो तो जो भी बेनिफिट आपने रिस्टोर रिसीव करें वो रिस्टोर करना पड़ेंगे। भाई सिंपल बातें हैं। केटरलाल को कोई चमका के उसकी दुकान साइन करा के ले गया, मार्केट वैल्यू दुकान की 1 करोड़। केटरलाल को बबीता जी का फोटो दिखाया और हाँ करवा ली कितने में? 50 लाख रुपए में। बोला अगर तूने ये नहीं करा तो हम बबीता जी को मार देंगे। जेठालाल ने कहा नहीं नहीं लाओ मैं साइन कर रहा हूँ। इधर गन, सामने बबीता जी का फोटो, इधर जेठालाल ने सिग्नेचर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। यस और नो? जेठालाल चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कोर्ट में ले गया, प्रूफ कर दिया कोर्शन था, जज साहब ने कहा प्रॉपर्टी इनको वापस करो, जेठालाल को प्रॉपर्टी वापस हो गई। जेठालाल के पास जो 50 लाख क्या वो रिटर्न करना पड़ेंगे? ऑफकोर्स की बात है। यस, क्लियर है? चलिए सर, ओहो, सुसाइड इज ऑल्सो फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। तो सुसाइड करना या सुसाइड करने के लिए चमकाना, क्या ये भी कोर्शन है? यस, डेफिनेटली यस। चलिए सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि वो बना है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, अगर दो पार्टी के बीच में ऐसे रिलेशंस हैं कि एक के हाथ में है दूसरे की विल को डोमिनेट करना। आप किसी विल को डोमिनेट कर लेते हो और डोमिनेट करने के बाद आप उस पर अनफेयर एडवांटेज भी देते। अगर मैं अनफेयर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन अ पोजीशन, मैं ऐसा अपने मन में मान रहा हूं कि मैं आप लोगों की विल को डोमिनेट कर सकता हूं, पता नहीं, पर मैं मान रहा हूं कि मैं आप लोगों की विल को डोमिनेट कर सकता हूं, मैं आपकी इच्छाओं को समझा बुझा के डांट के चमका के मोटिवेट करके बदल सकता हूं। अगर मैं ये कर सकता हूं टू गेन अ फेयर एडवांटेज, आपके भले के लिए कर रहा हूं, तो मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मैं पापी हूं? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर यू, तो क्या वो गलत है? यस, तब माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने क्लास 12 पास करी है 34% से, फिर भी भगवान ने उसको इच्छा दी, उसको ऐसे भाव बनाए उसके मन में कि उसने सीए स्टार्ट कर लिया। 34% से 12th निकली है और उसके नसीब इतने अच्छे हैं, उसको पांचों पेपर में 34 डॉट आए। मैंने उसको समझाया बुझाया, मैंने बोला तू सीए कर ले, यहाँ पे नसीब वालों की बड़ी सुनती है, सुना जाता है इंस्टीट्यूट नसीब वालों का साथ देती है, तू सीए कर ले। उसने बोला हाँ, मुझसे अच्छे नसीब क्या होंगे, सब में 34 34 34 34 है। उसने सीए फाउंडेशन की क्लास अटेंड करी, उसकी ऑल इंडिया रैंक आ गई। सपने देखना किसने बोला है? मनाए देखो, अरे लेट्स इमेजिन, उसकी सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आ गई 34। 34th ऑल इंडिया रैंक उसकी सीए फाउंडेशन में आ गई। अब उसने मेरे ऊपर केस लगा दिया, बोला अच्छा वाला मैं सीए छोड़ रहा था, ये आदमी ने मेरे मम्मी पापा को मना के कैसे भी मुझको सीए करवा दिया, अब तो ऑल इंडिया रैंक आ गई, अब तो क्या घर वाले मान रहे हैं क्या, मुझे सीए इंटर में जाना पड़ेगा। ही हैज ऑब्टेन अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर मी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्या मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस था? हाँ, बट क्या मैंने अनफेयर एडवांटेज लिया? नहीं। तो क्या मेरे उसको अब यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अनड्यू इन्फ्लुएंस मानेंगे क्या? नहीं। देखो आप समझना बात को, अनड्यू इन्फ्लुएंस का ना आप जनरल मीनिंग ही लॉ में दिया हुआ है, अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ अनफेयर एडवांटेज होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हमारे घर वालों का अनड्यू इन्फ्लुएंस जिंदगी भर से हमारे ऊपर रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, यस और नो? पर क्या वो अनफेयर एडवांटेज लेते हैं क्या? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज। तो क्या सर वो हमेशा उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट करे हुए वॉइडेबल होंगे क्या? यस और नो? क्लियर है? चलिए सर, कब माना जाएगा कि एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है? जब उसकी रियल और अपरेंट अथॉरिटी हो हमारे ऊपर, जब हमारा और उसका एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप डेवलप हुआ हुआ हो, जब वो पर्सन किसी मेंटल कैपेसिटी वाले पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेली या परमानेंटली गायब है ड्यू टू एज, इलनेस, मेंटल डिस्ट्रेस, बॉडीली डिस्ट्रेस। पूरा पॉइंट ध्यान रखना है, तीन केसेस में, जब रियल अपरेंट अथॉरिटी हो, जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, और जब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी ऐसे मेंटल कैपेसिटी वाले पर्सन से जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेली या परमानेंटली गायब हो ड्यू टू एज, इलनेस, मेंटल डिस्ट्रेस, बॉडीली डिस्ट्रेस। नाउ सर,
रियल और अपरेंट अथॉरिटी क्या होती है? सबसे पहला, रियल और अपरेंट अथॉरिटी किसके केस में होती है? मास्टर और सर्वेंट के केस में, डॉक्टर और पेशेंट के केस में। अगर मास्टर और सर्वेंट और डॉक्टर और पेशेंट के केस में क्या रियल और अपरेंट अथॉरिटी होती है? यस। अरे भाई डॉक्टर कुछ बोल दे तो हम डर जाएंगे, डाउट करेंगे। हम बोल सकते हैं दिखाओ आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, दिखाओ। बोल सकते हैं आप डॉक्टर हो कि नहीं हो, आप चेक कराओ। वो ऐसी ऐसी जगह इंजेक्शन लगाएगा, हम बोलना बंद कर देंगे फिर। अरे यस और नो। चलिए सर, दूसरा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बीच में हो। वो किसमें लिख रखा है? फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर जरूर लिखना था इनको, खैर छोड़ो। दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, लॉ है ये, कुछ भी बोल सकता है। नेक्स्ट है मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब अंडियो इन्फ्लुएंस हमने यूज करा है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परली या परमानेंटली अफेक्टेड है बाय रीजन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, इलनेस और ओल्ड एज। पूरा का पूरा पॉइंट इन आ गया डिटेल में। चलिए सर, और चौथा है अनकॉन्साइजनेबल बार्गेन। अनकॉन्साइजनेबल बार्गेन्स मतलब हमने किसी की विल को डोमिनेट करा है और अंडियर अनफेयर एडवांटेज उठाया है, तो माना जाएगा कि हमने अंडियो इन्फ्लुएंस किया है। नाउ आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि प्रूफ क्या करना है, ऑब्जेक्ट अंडियो एडवांटेज होना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी नहीं है पर पेशेंट दवाइयां टाइम पे नहीं लेता था, डॉक्टर ने पेशेंट को चमकाया कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, पर आप ये 3 दिन दवाई लो फिर आपके घर वालों को लेके साथ में आना। वो आदमी ने 3 दिन डर के दवाई ले ली, जब घर वालों को साथ में लेके आया तो घर वालों को देख के डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दवाई नहीं लेता तो मैंने चमकाया इसको, इससे दवाई ले ले। क्या अंडियो एडवांटेज है? नहीं। आपको अल्टीमेटली ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, अंडियो एडवांटेज हुआ है। कुछ मत करना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। एक टीचर है, उसने अपनी डॉटर को बोला कि आप मेरे ही क्लास की किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट से शादी कर लो। बॉय एंड गर्ल दोनों स्मार्ट थे, सेटल्ड थे, इंटेलिजेंट थे, दोनों ने सोच समझ के डिसीजन लिया। क्यों? अंडियो एडवांटेज है क्या? नहीं। अंडियो इन्फ्लुएंस तो था, अंडियो तो नहीं था बट ड्यू इन्फ्लुएंस तो था, पर कहीं भी अनफेयर एडवांटेज का मौका था क्या? नहीं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? जो पोजीशन को डोमिनेट करने की ताकत रखता है उसके ऊपर जाएगा। आपने बोला इस आदमी ने ज्यादा लॉ पढ़ा दिया, हमको ज्यादा नंबर आ गए, इतने नंबर नहीं चाहिए थे, हमको तो सीए इंटर में जाना ही नहीं था, जबरदस्ती इनकी क्लासेस अटेंड करी, पास हो गए, सीए इंटर में चले गए, आपने मुझ पर केस फाइल कर दिया अंडू इन्फ्लुएंस का। मैंने को कोर्ट में आके प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको, ऑफकोर्स मेरे को आगे प्रूफ करना पड़ेगा। जज साहब को भी लेक्चर्स भेजे, मैंने बोला अंकल आप भी देखो थोड़े दिन, देख के वापस आओ, बताना जरा लेक्चर में अंडू इन्फ्लुएंस कहाँ उठाया। जज साहब ने कहा नहीं नहीं मेरे को भी प्यार मोहब्बत हो गई, मैं भी सीए इंटर में इसके साथ पढ़ूंगा। अब तो आप बताओ कहीं भी मेरा अंडू एडवांटेज उठाने का मोटिव था क्या? नहीं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर जाएगा? टू द पर्सन टू हूम ही इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। भाई मेरे ऊपर है ना डोमिनेट करना विल, तो मेरे हाथ में मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैंने अंडू एडवांटेज नहीं उठाया है। चलिए सर, अब अंडियो एडवांटेज से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रखना, आप कर दो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे भी वॉइडेबल है। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कोई भी ऐसा एक्ट, कैसा एक्ट जो इस टेबल में दिया है वैसा एक्ट करा है बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस बाय हिज एजेंट With an intent to deceive, आपको किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है या उसके एजेंट को नुकसान पहुंचाना है, और नुकसान पहुंचाने का लॉजिक है आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। एक इंसान आया, एक लेडी वॉक कर रही थी सुबह सुबह, उसकी चेन स्नैच करके चले गया, ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए थोड़ी कराया, मेरे को तो पैसे चाहिए थे तो मैंने कराए। किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली, हम उसको फ्रॉड बोलते हैं, बट वो फ्रॉड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि आप ये सब कर थोड़ी रहे हो कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, आपको पैसे की जरूरत थी आपने कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो फ्रॉड का मतलब होता क्या है? कुछ भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। कौन से एक्ट? ऐसा कोई सजेशन देना जो कि सही नहीं है और हम मानते भी हैं कि वो सही नहीं है। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ, आपको ऐसी चीज छुपा रहे हो जो आपको पता है
जो आपको बताना चाहिए फिर भी आपने छुपा दी। ऐसा कोई प्रॉमिस हमने कराया जिसमें हमको परफॉर्म करना ही नहीं है, या कोई भी ऐसा एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव जो आपको नुकसान पहुंचाने में मदद करे, उनको सबको फ्रॉड बोलेंगे। देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। आपने रिप्रेजेंटेशन या असर्शन दिया वो फॉल्स है। रिप्रेजेंटेशन फैक्ट से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेशन शुड बी बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन टू डिसीज द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ही किसी को गलत है, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना था, आपने दिया है और वो गलत था, आप गलत हो, आपने फ्रॉड किया, यानी आपने रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट दिया है विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट। या तो आपको पता था ये गलत है और बताया है, या तो आपको सच्चाई नहीं पता थी तो फिर आपने क्यों बताया है भाई। या तो आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है फिर भी आपने बोला ही नहीं, या तो आपको सच्चाई नहीं पता थी फिर भी आप बोल रहे थे सब कुछ सही है चलने दो जबकि सही नहीं था, तो फिर आपने बोला है तो वो सब फ्रॉड है और अदर पार्टी ने ये सब करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, माना जाएगा आपने फ्रॉड किया है क्योंकि इससे आपको लॉस हुआ है। इफेक्ट क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता हूं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और रेमेडीज क्या अवेलेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर दो, या आप बोलो कि भाई मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और मुझे उस पोजीशन में रखो कि ये रिप्रेजेंटेशन सही होता था, मैं किस पोजीशन में होता, मुझे उस पोजीशन में रखो और मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। क्लियर है जी? पक्का? पढ़े आगे। चलो नेक्स्ट है, व्हेन साइलेंस इज फ्रॉड। कब चुप रहना फ्रॉड होगा? अब ये चीजें रियल लाइफ में भी लगती है। कई बार चुप आदमी कब रहता है? जब वो गलत होता है। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर चुप रहना फ्रॉड होगा। कब? व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, और जहां पर चुप रहना ही बोलने के बराबर हो जाए। उन दोनों केसेस में चुप रहना फ्रॉड होगा। पहला पढ़ रहे, व्हेन इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। कब है इंसान की ड्यूटी, कब उसको बोलना जरूरी है? ये दिया हुआ है उब्राहिमी फेडे। उब्राहिमी फेडे बोले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ गुड फेथ में हुए हुए हैं, उन पर्टिकुलर केसेस में चुप रहना भी फ्रॉड होगा। कौन से केसेस हैं? ये सारे केसेस, पांच केसेस जहां पर चुप रहना भी फ्रॉड होगा। सबसे पहला, जहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे पांच कॉन्ट्रैक्ट से जहां पर साइलेंस भी फ्रॉड होगा, क्योंकि चुप रहना भी फ्रॉड होगा, और इसको दिया हुआ है उब्राहिमी फेडे के नाम से, यानी दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। पहला, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वेयर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड इज अंडर द ड्यूटी टू एक्ट विद अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स कंसर्निंग द एग्रीमेंट्स नोन टू। सर आप अटमोस्ट गुड फेथ में हम आप पे भरोसा करते हैं, प्लस आप पे भरोसा किया कि आपको पूरा डिस्क्लोजर देना है जो भी हमने एग्रीमेंट आपसे करा है उसमें, और आप चुप रह गए तो क्या आपने फ्रॉड किया है? यस, ये एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। ब्रोकर ने बोला कि सर शेयर्स खरीद लो क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट ने बोला हाँ खरीद लो, ब्रोकर ने अपने ही शेयर बेच दिए, मार्केट रेट से ज्यादा पे बेचे होंगे ऑफ कोर्स की बात है, क्या यह अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? आपको ये लॉजिक पता नहीं है शायद। आप अगर आपके ब्रोकर को फोन करते हो मेरे भी आप पर शेयर्स खरीद ले, पूछता है कितने शेयर, हम बोलते हैं 10,000 शेयर्स खरीद ले, वो 10,000 शेयर्स खरीद लेता है, उसने 10,000 की जगह अगर 1,00,000 डाल दिया ना, आपके अकाउंट से 1,00,000 कट जाते हैं। 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से जो पैसा होता है, सपोज 15 रुपए का एक शेयर है, तो आपके अकाउंट से 15,00,000 कट गए जो कि कटना थे 1,50,000। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है? यस, क्लाइंट को उसका काम था, उसने फ्रॉड करा है क्योंकि चुप रहना भी यहां पर फ्रॉड हुआ है, उसको बताना था कि उसके शेयर
दे रहा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आपको सारी डिटेल सच्चाई से बताना चाहिए, दैट इज अ फैक्ट, आपको डिटेल सारी सच्चाई से बताना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन है, फायर है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपको सारी सच्चाई से बताने वाली चीजें होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, उसको बहुत ज्यादा मार्केट में रीपे करना था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने क्या करा, उसने LIC कंपनी को अप्रोच करा, 5 करोड़ की LIC ले ली। जैसे ही LIC अलॉट हुई, 4 दिन बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। उसकी वाइफ रोते रोते, थोड़ा हंसते हंसते, मिक्स इमोशंस में LIC ऑफिस पहुंची, बोले ये मेरा हस्बैंड था, इसकी 20,000 की सैलरी थी, मेरे को 5 करोड़ एक साथ आ रहे। बोले ठीक है, गया तो गया, इंसान का दुख है, पर ठीक है, मैनेजेबल है, कुछ दुख पैसे से कम हो जाएंगे, बाकी अपन देख लेंगे। ये गई और कंपनी में इसने पेपर फाइल करे, कंपनी वालों ने क्लेम अलॉट नहीं करा, क्योंकि प्रूव हो गया कि क्या करा है, सुसाइड करा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एटमोस्ट गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सारे फुल मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए क्या? यस। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लेते टाइम अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपने नहीं शो करी, बाद में ट्रैक हो गई वो डिजीज है, तो वो डिजीज तो ठीक है, उससे जितनी रिलेटेड डिजीज है सबके क्लेम नहीं मिलते। क्लियर है? चलिए सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। ओहो भले लोग हैं सर, ये बोल रहे हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में फुल मटीरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करो, तो फिर तो हो गई सर शादी। आपको क्या लगता है सर, जिन्होंने लॉ बनाया, अगर इनको हमारी पुराने पाप, पुराने कारनामे अगर पता चल गए, तो आपको लगता है शादी होगी? लगता है आपको शादी होगी? अरे होगी क्या, ऑफ कोर्स बात है सर, नहीं होगी। बट फिर भी ये बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स अटमोस्ट गुड फेथ के हैं और आपको इसमें मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स फैमिली सेटलमेंट हो रही है सर, प्रॉपर्टी बिक रही है, तो क्या फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या? यस सर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं। और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब प्रोस्पेक्टस हम लोग इशू करते हैं पब्लिक को, जिसमें वो लोग फॉर्म्स और नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट भर के हमको भेजते हैं, उस प्रोस्पेक्टस की इशू करते टाइम हम सारे मटेरियल फैक्ट्स कंपनी दे, ऐसा इंसान भरोसा करता है। आप तो एक बात समझो ना सर, कल ITC ने अगर पब्लिक इशू निकाला, आपको ब्रांड पर इतना भरोसा, आप पैसा लगा दोगे? आप अंदर के डॉक्यूमेंट जाके देखते हो क्या? नहीं। क्या चुप रहना भी फ्रॉड हो जाएगा अगर कोई गलत बात उन्होंने छुपाई? यस, वो कॉन्ट्रैक्ट अटमोस्ट गुड फेथ के है। बढ़े आगे। चलिए सर, लास्ट है, मतलब वॉइडेबल का लास्ट है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन सर डेफिनेशन ना यार मुश्किल से याद होती सर, डेफिनेशन ऐसी है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जितना मैंने हाईलाइट करा है ना उतना रट लो, फिर आगे पीछे इंग्लिश चिपका देना, लॉ बन जाएगा। पहला, आपने कोई ऐसा फैक्ट बताया है जो अगर गलत निकल गया तो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा, जब आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है विदाउट एन इंटेंशन टू रिसीव, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था, पर हमने हमारी ड्यूटी ब्रीच की है, हमने मिस रिप्रेजेंट किया है। तीसरा, वेयर अ पार्टी कॉजेज द अदर पार्टी इन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, अगर आप सामने वाले से मिस्टेक करते हो सब्जेक्ट मैटर की, तो मतलब आपने कोई चीज और थी, कोई चीज और बता दी, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। जितना जितना मैंने हाईलाइट करा है उतना उतना रट लो, आगे पीछे इंग्लिश लगा देना, अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए सर, उसके बाद लीगल इफेक्ट्स क्या है सर, वो तो अभी बात है, हम कितनी बारी पढ़ के आ गए, कोर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, एक और कौन सा है, वापस से, सबसे पहला कोर्शन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चारों वॉइडेबल और मिस्टेक वॉइड। एक्सेलेंट, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। चलो मिस्टेक की बात करते हैं सर, लॉजिक की बात। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मे बी डिफाइंड एज इनोसेंट और इरोनियस बिलीफ विच लीड्स द अदर पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर। इनोसेंट तरीके से सर गलत बात कम्युनिकेट हो गई, क्या मिस्टेक हो गई? यस, बायलेटरल मिस्टेक दोनों पार्टी ने करी, यूनिलैटरल मिस्टेक एक पार्टी ने करी, इफेक्ट क्या होगा? सब वॉइड। पर एक डिस्टिंक्शन है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब अगर लॉ को गलत समझे हो, अगर लॉ को गलत समझे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ कॉज्ड हुई है तो इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर द कॉन्ट्रैक्ट में भी अवॉइडेड। लॉ की मिस्टेक हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, मतलब आपने और मैंने लॉ को मिस इंटरप्रिटेट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कुछ सिटीज में हेलमेट के ऊपर लॉ है,
आरटीओ एक्ट ने तो हेलमेट कंपलसरी कर रखा है। पुलिस वालों की इच्छा होती तो माहौल बना देते हैं, हेलमेट का चेकिंग चालू कर देते हैं, कुछ दिनों बाद हेलमेट पहनते हुए लोग मिलते हैं। पुलिस वाले बोर हो जाते हैं, बोले हेलमेट देख देख के बोर हो गए, अब इंसान के चेहरे देखना है, तो हेलमेट की चेकिंग बंद कर देते हैं। अपनी सिटीज में हेलमेट पहनना बंद हो जाते हैं, पर मेट्रोज में क्या है, हेलमेट एक्सट्रीम कंपलसरी, पीछे बैठने वाले के लिए भी कंपलसरी है, और ऑफकोर्स होना भी चाहिए। जरूरी तो नहीं एक्सीडेंट होगा तो आगे वाले को भी लगेगी, ऐसा तो नहीं पीछे वाला कूद जाएगा बोले यार ले मैं सेफ हूँ तू तेरा देख आके, ऑफ कोर्स की बात दोनों को लग सकती है। तो अगर आपने लॉ को ही गलत समझा है तो फिर लॉ को गलत समझा है तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड मत करो, उसको अवॉइडेबल रख लो। पर अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, हमने फॉरेन लॉ की मिस्टेक समझी है, तो हम लोग इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हैं, मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करा जा सकता है। ठीक है, तो सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, अगर आपने सर फैक्ट ही गलत समझ लिया, आपका नाम और कुछ था आपने और कुछ लिख दिया, क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, यस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कर ही नहीं सकते हो जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है, हाउएवर अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ की है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हो, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानोगे मतलब क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करोगे। इंडियन लॉ की मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट चाहो तो कंटिन्यू कर लो, फॉरेन लॉ की मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज वॉइड, क्योंकि हम लोग कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपने मेजर चीज पर मिस्टेक कर दी, फैक्ट ही गलत डिस्क्लोज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर 23, पर सेक्शन नंबर 23 लिखते टाइम सेक्शन 10 पहले लिखना, अदरवाइज आप एक नंबर लूज करोगे। जब भी क्वेश्चन आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के ऊपर सबसे पहले लिखना है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोलता है लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेक्शन 23 भी बोलता है कि हर एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। सेक्शन 23 बोलता है मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कंटेंट को घुमा के बोलता हूँ। तो सेक्शन 23 बोलता है कि हर वो एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। बात एक जैसी कर रहे हैं, थोड़ी सी ये सीधी बोल रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं, बट हमको एग्जाम में दोनों लिखनी है। सेक्शन 10 भी सेक्शन 23 भी सेक्शन नंबर्स भूलना मत, बहुत काम के हैं यहाँ पर। चलो बाकी तो फिर ये एग्जाम्पल्स है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, जब वो लॉ से फॉरबिड हो, लॉ ने मना कर दिया है आपको डील करने में उस प्रोडक्ट में, फिर भी आप डील कर रहे हो, आपने फ्रॉड किया है, कंसेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनादर, अगर ये इंजरी पहुंचाना चाहते हो आप किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को, कोर्ट ने उसको इमोरल बोला है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और या फिर आपने करा ही ऐसा है क्योंकि आपको लॉ को डिफीट करना है। 1 2 3 4 5 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं पर 5-6 बार तो एग्जाम में अभी तक हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन, सेम कॉपी पेस्ट। पहला, जब कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या फॉरबिडन बाय लॉ हो, कब होगा फॉरबिडन बाय लॉ, पहले किसी स्टैच्यू ने उसको प्रोहिबिट करा था, ऐसा मत करो, स्टैच्यू यानी लॉ, फिर रेगुलेशन निकाला गवर्नमेंट ने उसमें भी मना करा ऐसा मत करो, या फिर हमने ऑर्डर दिया है किसी कोर्ट की अथॉरिटी ने, आप उसका भी फॉलो नहीं कर रहे हो, इन सारे केसेस में आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनलॉफुल होगा। अभी पुराने 500 और 1000 के नोट में डील कर सकते हो क्या, आप बोलो है तो आरबीआई की करेंसी, भाई उसको एक रेगुलेशन निकाला गया है और उसको बंद कर दिया गया है, क्या अब आप उसमें डील कर सकते हो क्या, ऑफकोर्स नहीं। किसी के घरों में से निकले क्या अभी भी, नहीं, वसूल लिए थे पहले ही सब। चलो दूसरा है, जब फ्रॉड हो, अगर एग्रीमेंट करा ही किसी फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तीसरा, जब कंसिडरेशन ही ऐसा हो जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं इंजरी टू पर्सन या प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला मैं 5 लाख दे दूं उसके घर को बम से उड़ा दूं, क्या यहां पर एग्रीमेंट अनलॉफुल है, यस, क्या कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, यस सर, अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, अगर इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन या प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, इमोरल मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के हित के अगेंस्ट हो, एग्जाम्पल यही वाला लिखना, जब मैं स्टूडेंट था तब से भी ये एग्जाम्पल चल रहा है, उसके बाद एग्जाम पहले फाउंडेशन थी, ये वाली फाउंडेशन के पहले सीपीटी थी, उसके पहले भी फाउंडेशन थी, तब भी ये एग्जाम्पल था,
पीपीटी हुई तब भी एग्जाम्पल था, फिर से इंस्टीट्यूट ने कन्वर्ट करा सिलेबस, फाउंडेशन हुई तब भी यही एग्जाम्पल है। लैंडलॉर्ड ने रेंट पर प्रॉपर्टी दी है किसी फीमेल को जो अपने आप को प्रोस्टिट्यूट बताते हैं और वो अपना बिजनेस वहां पर कैरी करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट इमोरल है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, दिस इज इंडिया, इट इज नॉट परमिटेड हियर। तो यहाँ वो रेंट पे नहीं करना चाहती है, तो क्या हमारे लैंडलॉर्ड से आप रेंट वसूल लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। और सर जब कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के अगेंस्ट है अगर, तो फिर आप उसमें कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब सर चैप्टर की गहराइयां देख रहे हो आप, इतने सारे टॉपिक्स और टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स, और फिर अब तो उसके भी अंदर आ गया कौन से एग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसे कौन से काम करें जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सबसे पहला काम है वे टू लर्न। क्या तरीका है सर कैसे याद करें? TCS मस्ट अपॉइंट मैनेजर्स ऑफ IIT, IIT के मैनेजर्स TCS अपॉइंट करेगा। तो आइए सर देखते हैं, सबसे पहला T से है ट्रेडिंग विथ एनिमी। कोई ऐसा इंसान जिसका भैया अपनी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, अपन उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रेडिंग विथ एनिमी। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, hence illegal, ठीक। पर अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया कि भाई इनसे ट्रांजैक्शन करना जरूरी है तो फिर तो चलेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। दूसरा है TCSC से है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कोई पार्ट कंसिडरेशन का अनलॉफुल, कैसे सर? हम एक सिंगल कंसिडरेशन लेते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, हमने बोला आपको पढ़ना है फाउंडेशन इंटर फाइनल CS, सबके इंटर फाउंडेशन फाइनल सबकी एक कॉमन फीस, सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, या फिर वन और मोर कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। आपका एक ही ऑब्जेक्ट पर आपसे बहुत तरीके से पैसा लेते हैं, और अगर उन दोनों में से कोई भी एक पार्ट अनलॉफुल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। चलो इनडेप्थ एनालिसिस, इसका बहुत ध्यान से ध्यान रखना। जनरल रूल ये है कि लीगल पार्ट को एग्जीक्यूट कर लो, इलीगल पार्ट को इग्नोर कर लो अगर डिवाइड हो जाए तो। डिवाइड नहीं हो सकते तो बैड पार्ट को रिजेक्ट कर दो, सॉरी अगर डिवाइड हो सकते हैं बैड पार्ट को रिजेक्ट कर दो, गुड पार्ट को रख लो। डिवाइड नहीं कर सकते हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। TCS है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बेस्ड होता है एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल के ऊपर, जिसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ फेलोनी। इस नाम से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, पर आएगा तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं उसको आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं मॉड्यूल को ऊपर ऊपर से, और इंस्टीट्यूट का जब मूड आता है पेपर बनाने का तो वो मॉड्यूल की गहराइयों में जाके पूछता है। यार वो बात छोड़ दो, सारी गहराइयां अपन ने टच करके हाईलाइट कर दी है, तो ध्यान रखने की बात है ट्रेड ऑफ फेलोनी से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेड ऑफ फेलोनी का मतलब होता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब कोई ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, आप उसको रोकने के लिए, नॉर्मल कोर्स में उसको रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। दीज आर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस वॉइड। हाउएवर कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। अब कंपाउंडेबल मतलब किसी को सजा दे दी 3 महीने की, ये रोने लग गया वहां पर जैसे ही सजा दी वैसे ही, इसने बोला जज साहब सजा मत दो, जज साहब ने कहा ठीक है ऑफेंस कंपाउंडेबल है आप 2 लाख रुपए भर दो, उसने 2 लाख रुपए भर दिए। लीगल टर्म्स में आपने कंपाउंड कराया है उसको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि लॉ में प्रोविजन डाले थे कंपाउंडिंग के, तो कंपाउंडिंग आप करा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल, CA फाइनल में टॉपिक है 70 पेज का कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, वहां पर पढ़ोगे कौन से ऑफेंसेस कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कंपाउंडिंग हो सकती है। चलिए सर, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट और मैरिज ब्यूरो दोनों में फर्क है। मैरिज ब्यूरो क्या करता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है कि आगे भी कुछ देखता है? देखो एक बेसिक एग्जांपल समझो, अपना छोटू CA बन गया, CA बनने के बाद इसने जॉब बाद में ढूंढी, पहले वेबसाइट ढूंढी shaadi.com, प्लस जॉब वॉब तो लगती रहेगी, शादी हो जाए पहले तो,
जिसने शादी डॉट कॉम पे रजिस्टर किया था उन्होंने क्वालिफिकेशन पूछा, उसने सीए लिख दिया। 2 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ने कहा यार सीए आदमी एक शॉट में एग्जाम क्लियर करी, एक लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, गलती हो गई, कॉलेज जाना था, वहीं से एक्सपीरियंस लेके आना था, शायद मैं जीवन में कुछ अलग अच्छा कर लेता। उसने वापस लॉगिन करा, प्रोफाइल एडिट पर गया, सीए के आगे कॉमा लगा के सीएस लिख दिया, कॉमा लगा के सीडब्ल्यूए लिख दिया, कॉमा लगा के सीएमए लिख दिया, फिर एक कॉमा लगा के सीएफए भी लिख दिया। लड़की के घर वालों की जगह प्रेस वालों के फोन चालू हो गए, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड है सीए सीए सीडब्ल्यूए सीएमए, मतलब सीडब्ल्यू एंड सीएमए आर वन एंड द सेम थिंग, सीए सीए सीडब्ल्यूए और सीएफए सीपीए सब लिख दिया। इसको जो जो सी से आ रहा था बस कई जगह लिख नहीं पाया, इसलिए रोकना पड़ा इसको। तो इसने जितनी सी से चीजें क्वालिफिकेशन याद थी वो सारी लिख दी। अगले दिन बहुत चार लड़की वालों के फोन के, लड़की वाले डायरेक्ट इसके हॉस्टल में आ गए। अब आप समझो बात को, बाद में शादी हो गई, पता चला ये तो सिर्फ सीए, ये फ्रॉड किसने छोटू ने करा था या शादी डॉट कॉम रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैरिज ब्यूरो वालों का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, दे डू नॉट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। आप उनको रजिस्ट्रेशन फीस दे दो 5,000 रुपए साल, वो आपको डेटा सप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोडेटास, दैट्स इट। उनका और कोई काम है क्या? नहीं। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट क्या होता है? हमने एक ऐसा एग्रीमेंट करा जिसमें हम नेगोशिएट कर रहे हैं मैरिज फॉर रिवॉर्ड, पैसे लेके शादी कर रहे हैं। क्या ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं हो जाएगा? आज भी इंडिया के छोटी प्लेसेस पर, गांव में, टाउन्स में ये होता है। दे आर स्टिल सेलिंग गर्ल्स टू द इन-लॉज फैमिली एंड दैट इज रियली बैड। बट वो तो सर उनके गांव में कोई जाएगा तो सिर काट के फेंक दें, वो तो वापस इसमें के लोग रहते हैं, वो उसमें की सोसाइटी। आप मुझे एक बात बताओ, आप पैसे लेके किसी की शादी कर रहे हो, इज इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? या ये अच्छा काम है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे, हैंस वॉइड। TCS मस्ट अपॉइंटी से क्या था? ट्रेडिंग विद एनिमी, टी से कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, TCS एस से स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और एम से मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। फिर है एग्रीमेंट, फिफ्थ एग्रीमेंट, ट्रेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। मोनोपोलीज मतलब सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस वॉइड। सिक्स्थ है मेंटेनेंस एंड चैंपरिटी। मेंटेनेंस मतलब होता है आप किसी के ऊपर केस फाइल, केस मेंटेन करना चाहते हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, बिना फालतू में, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और चैंपरिटी मतलब अगर आपने फीस शेयरिंग की बात करी है किसी के केस में कि भाई मैं आपका केस लड़ लेता हूं, वहां से जो पैसा आएगा उसमें मुझे शेयर दे देना, उसको चैंपरिटी बोलते हैं। हाउएवर इसमें 2 पॉइंट से ध्यान रखना, मेंटेनेंस और चैंपरिटी लीगल हो सकती है अंटिल एंड अनलेस वो अनरीजनेबल हो, और दूसरा आपने कोई मलेशियस मोटिव से उसको नहीं कराया है। आपका मोटिव ठीक है, अगर आप फिर भी फीस में शेयर लेना चाहते हो तो ले लो, पर अगर आपका मोटिव खराब है, किसी को गलत जबरदस्ती जेल भेजना चाहते हो, फिर उसके रिवॉर्ड में उसके पैसे में शेयर लोगे, उसको चैम्पर्टी बीइंग इलीगल बोलेंगे। फिर इंटरफेरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां के जुडिशियल ऑफिसर्स को अपन पार्शियली या करप्टली बता रहे हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएंगे, हैंस वॉइड हो जाएंगे। टीसीएस मस्ट अपॉइंट मैनेजर्स ऑफ आईआईटी। ये था हमारा एक आय हो गया। एक और आय है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन मतलब सर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो विच इज अपोज टू एग्जैक्टली पब्लिक पॉलिसी। अब ये एग्जाम्पल्स टू रिमेम्बर डाला ही इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में लिख के आने, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं मॉड्यूल में इसके ऊपर। सबसे पहला, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी इज इनवैलिड। बिना प्रिंसिपल से पूछे अगर एजेंट कुछ काम कर रहा है, अगर एजेंट ऐसा कुछ काम कर रहा है तो इट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। वो आपका ऑब्लिगेशन ही था, आप वो काम कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हैंस वॉइड। और ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में हमेशा बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ बैठता है, ऐसा ये बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ बैठता है, लॉ है, लॉ तो कुछ भी बोलता है। अगर कोई एग्रीमेंट है और हम उसमें ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मतलब हम हमारी सेटिंग से गवर्नमेंट ऑफिस में किसी स्टाफ को बिठा रहे हैं, क्या वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? यस, हैंस वॉइड। एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला, अगेन आपकी इंस्टीट्यूट की मटेरियल का एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए सर बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट जो इस यूनिट में दिए हैं,
जो आईसीए यूनिट टू में दिए हैं, जो यूनिट टू में दिए हैं वो तो यूनिट टू में हो ही गए होंगे, जो इस यूनिट में दिए हुए हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, मीनिंग जिसका अनसर्टन हो और वेगरिंग। और बस जैसे ही ये सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 खत्म होगा आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट करना, क्या वैलिड होगा? ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स की बात है, आंसर तो पता ही है कि वॉइड ही होगा। हर वो एग्रीमेंट विच इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट करना, क्या वॉइड होगा? हाँ होगा वॉइड। हाउएवर माइनर को रोकना वैलिड होगा। माइनर 16 साल की एग्रीमेंट में बावला हो गया, मेरे को शादी करना है, जीवन में कुछ नहीं करना है, इसको लगा लाइफ में अपने पास मेजर होने वाले हैं, अब शादी ही जीवन में के में अपना और कोई एम है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या माइनर से करे हुए एग्रीमेंट वॉइड होंगे? नहीं, वो वैलिड होंगे, पर अदर देन माइनर किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। So if a person being major agrees for a good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as void agreement. भाई क्यों करना कि शादी करना है, करो नहीं करना है मत करो, अपनी अपनी इच्छा जिंदगी बर्बाद करनी यानी आपकी चॉइस। चलिए सर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी को कोई बिजनेस करने से रोकना, कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकना, ट्रेड करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना void होगा। एक्सेप्शन, कुछ केसेस में आप किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हो, कब कर सकते हो? जब आपने उसको गुडविल बेची है। अगर आपने आपके बिजनेस की गुडविल उसको बेची है, ठीक है, तो फिर उन पर्टिकुलर केसेस में जो सेलर है उसको रोकेगा बायर की भाई तू सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड लिमिट्स में वापस मत कर लेना, वरना हमारा कस्टमर बेस बनेगा कैसे? आपने अगर गुडविल बेची है किसी को, तो सामने वाला आपको रोक सकता है टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, सो लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट कैरीज ऑन द लाइक बिजनेस, सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड। फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है, बट ओनली इन केस ऑफ व्हेन यू सेल द गुडविल। नाउ व्हाट इज सर गुडविल? गुडविल इज द एडवांटेज। गुडविल एक एडवांटेज है जो किसको मिलता है? खरीदने वाले को मिलता है भाई, अपने नाम का एडवांटेज खरीदने वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब एग्जांपल के लिए, किसी कहीं हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है, आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, आपने देखा आसपास सब नॉर्मल लोकल ब्रांड्स की शॉप है, और आप एक ढाबे पर रुके जहां पर अमूल की आइसक्रीम है, आप खरीद लोगे या नहीं? यस, वाई? उनकी गुडविल है सर। आपने कभी लाइफ में अमूल की आइसक्रीम नहीं खाई, पर आप खरीद लोगे जस्ट बिकॉज इट इज अ ब्रांड इमेज। लोकल लिमिट्स क्या होती है सर? ये रीजनेबली सेलर इंटरप्रिटेड करता है कि भाई लोकल एरिया में आप उतने एरिया में बिजनेस मत करो। चलो, ऐसा हम लोग किसके ऊपर लगा सकते हैं? हमारे आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर भी। अगर कोई पार्टनर है हमारे यहाँ से काम मतलब हमारे यहाँ से रिटायर होके जा रहा है, तो हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं कि आप ये वाला काम नहीं करोगे। और अगर कोई एग्रीमेंट ऑफ सर्विस एम्प्लॉय के साथ कर रखा है, तो एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि आप इस वाली टाइप की कंपनीज में वापस काम नहीं करोगे। कोई एम्प्लॉई है जो क्या करता था, मैगी के मसाले डेवलप करता था, जो मैगी मसाला आता है ना, वो तो उसको सब पता था। उसकी नजर किसके ऊपर? पतंजलि की नजर इसी के ऊपर होगी। पतंजलि ने कहा बाकी तो ठीक है, मैगी वैगी का शेप तो अपन भी बना लेंगे, अल्टीमेटली है क्या, वो तो मैदे का आटा है गिवन इनटू शेप ही, और कुछ होता है क्या? मैगी तो कुछ भी नहीं होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ द मसालास। ये बंदा रिटायर होकर जा रहा है मैगी से यानी नेस्ले से, नेस्ले उन्होंने इससे एग्रीमेंट कर लिया अगले 5 साल कुछ भी हो जाए आप सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस वालों के यहाँ पर जॉब नहीं करोगे, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? यस, क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या वो वैलिड होगा? ऑफ कोर्स की बात है सर, नहीं। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज द वन बाय विच वन पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट या यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से रोक रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन है। अगर आप आपका केस आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हो, तो मैंने आपसे एग्रीमेंट करा कोर्ट से केस बंद करते, पंचायत में चल चलते, या ऐसे छोटे कोटेड कोर्ट्स होते हैं जहां पर ये केस ले जाते हैं उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। अगर आप वहां ले जाना चाहते हो, तो यहां से बंद करने वाला जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, ठीक है।
एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन. अगर कोई एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग ही अनसर्टन है, जिसका हम मीनिंग निकाल ही नहीं पा रहे हैं, 100 tons ऑफ ऑयल वाला एग्जाम्पल बहुत बार यूज कराए पर ये नहीं बताया कौन से टन ऑफ ऑयल यूज करा. इट कुड बी कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल और जो भी ऑयल्स आते हैं, कौन कौन से ऑयल्स होते हैं वो सब देख लो, समझ लो अपने हिसाब से. वो सारे ऑयल्स में से ऑयल की वैरायटी नहीं बताई तो क्या मीनिंग एग्रीमेंट का अनसर्टन हो जाएगा? यस, क्योंकि सर मीनिंग ही क्लियर नहीं है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. और आखिरी वेगरिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेगरिंग एग्रीमेंट. आओ 1 मिनट 10 सेकंड का ब्रेक, फिर पढ़ते हैं. हाँ जी सर, क्या होते हैं वेगरिंग एग्रीमेंट्स? ऐसे एग्रीमेंट जिसको जिसमें आपको कुछ पे करना पड़ सकता है डिटरमाइनिंग ऑन अनसर्टन इवेंट. आगे कोई इवेंट होगा उसके ऊपर अपन ने ऐसी शर्त लगाई कि या तो हमको पैसे मिलेंगे या तो हम पैसे पे करेंगे, ऐसे एग्रीमेंट्स वेगर होते हैं. तो वेगरिंग एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वन साइड शैल स्टैंड टू विन और लूज ऑन एन अनसर्टन इवेंट. ए ने एग्री करा है बी के साथ कि वो बी को 50,000 रुपए देगा अगर 10th अक्टूबर को बारिश होती है. क्या बारिश होना किसी के हाथ में है? नहीं. तो क्या ये अनसर्टन इवेंट है? यस. तो या तो मैं आपको पैसे दूंगा या आप मेरे को पैसे दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. ऐसा कुछ हुआ है तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है? बाय वे ऑफ वेगर है, इसलिए वॉइड है. चलो, पर अगर किसी ना किसी पार्टी का कंट्रोल है उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर तो फिर वो वेगर नहीं है, वो सर्टन इवेंट हो जाएगा, फिर वो अनसर्टन इवेंट नहीं होगा. अब वेगर होने के लिए क्या 6 पॉइंट है? ये 6 पॉइंट होंगे तो ट्रांजैक्शन वेगर होगा. बहुत सिंपल सी बात है सर, जो हमको पे करना है या तो वो मनी हो या मनी के वर्थ में कुछ हो. पे करना या नहीं करना है दैट इज कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. इवेंट का अनसर्टन होना जरूरी है, दो पार्टी होना जरूरी है, एक पार्टी लूज करे एक पार्टी गेन करे. एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए बेट लगाने का एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट्स, और उनका इस एग्रीमेंट में पैसे लेन देन के सिवाय और कोई स्टेक नहीं हो. ये 6 पॉइंट अगर किसी ट्रांजैक्शन में है तो वो वेगर है. तो सर कौन से ट्रांजैक्शन है जो वेगर है और कौन से ट्रांजैक्शन है जो वेगर जैसे लगते हैं पर वेगर नहीं है? अब आपको मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में एक चार्ट बना के दिया. सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस जो वेगर है, सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन जो वेगर है, लॉटरी के हाथ में है क्या? क्रॉसवर्ल्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस और हॉर्स रेस के ट्रांजैक्शंस, ये सारे वॉइड होंगे. और 1, 2, 3, 4 जो अभी नहीं बता रहा हूं वो सब वैलिड होंगे. तो पहले तो वॉइड होंगे देख लेते हैं. 4 जो वॉइड होंगे जो वेगर हैं, सबसे पहला लॉटरी. लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल एंड नॉलेज. क्या लॉटरी में स्किल और नॉलेज लगती है क्या? अपन सब ने चिट डाली किसी की भी, एक की लॉटरी खुल जाएगी, कोई स्किल और नॉलेज लगती है क्या? नहीं. प्राइम मोटिव सिर्फ एक ही है सर, हमको गैम्बलिंग करनी है. तो लॉटरी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे दे तो भी वेगर. एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया लिखा है एंड में, व्हाट इफ द लॉटरी सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम भावुक हो गए कि गवर्नमेंट ने दी मतलब वैलिड होगी. कुछ नहीं सर, गवर्नमेंट दे कोई भी दे वो एक वेगर है, थी और रहेगी. बेनिफिट इसका सिर्फ ये है कि एक पर्सन को कुछ पैसे मिलेंगे. हाउएवर
बेनिफिट ये है कि इसको इंडियन पीनल कोड पनिश नहीं करती है, मतलब ये इलीगल नहीं है, सिर्फ वॉइड है। क्लियर है? सेकेंड, क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन। क्रॉसवर्ड पजल और कॉम्पिटिशन ये ऐसा बोलते हैं कि हमने एक सोल्यूशन बनाया, फिर वो न्यूज़पेपर में ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। हमने एक प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन बनाया न्यूज़पेपर में ब्लॉक से, आप भरो, हो सकता है आपका सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन से मैच हो जाए, नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिले। तो क्रॉसवर्ड पजल और कॉम्पिटिशन वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं डिटरमाइन और कॉम्पिटिटर सोल्यूशन विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एडिटर इन न्यूज़पेपर इज लॉटरी एंड देयरफॉर अ वेगरिंग ट्रांजैक्शन। जरूरी नहीं है ना आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच हो ही जाए। क्लियर है? पक्का? चलो, पर अगर क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कॉम्पिटिशन, एथलेटिक कॉम्पिटिशन वो है जिसमें स्किल और इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अब एथलेटिक्स में भी सब भागते हैं, कौन जीतेगा पता है क्या? सब जेवलिंग थ्रो में डंडा फेंकते हैं, किसका बचेगा पता है क्या? नहीं। बट क्या स्किल और जजमेंट रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम लोग कल जाके दौड़ सकते हैं? क्या हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं? क्या हम लोग वहां पे जो एथलेटिक्स है उनके साथ स्विमिंग कर सकते हैं क्या? पता चल रहा है वो डाइव मार के वहां पहुंचेंगे, अपन डाइव मार के ऊपर आके देखा आसपास कोई नहीं, हमको लगा रहे अभी तो कोई कूदा ही नहीं है साथ में, फिर लगा ओहो ये तो टारगेट पे पहुंच गए। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर स्किल और इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है वो सब कॉम्पिटिशंस वैलिड है, क्योंकि स्किल और कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, अनसर्टन है बट स्टिल आपके हाथ में है कहीं ना कहीं। चलिए सर, उसके बाद प्राइस कंपटीशन इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेगस प्रोवाइडेड मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, ऐसा लॉ बोलता है बट स्टिल चलेगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपने एक स्पेकुलेशन करा है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस या तो मिलेगा या तो देना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है रिलायंस के शेयर्स का 1 करोड़ रुपए में, मार्केट प्राइस हो गई 98 लाख, आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे। ये जो 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे ये इसमें डिफरेंस आ रहा है और जा रहा है, अनसर्टन इवेंट के ऊपर है, ये इसको स्पेकुलेटिव बताते हैं और वॉइड बताते हैं, बट स्टिल मार्केट में ट्रेड होता है और वैलिड होता है। चलो, और चौथा है हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। अगर हॉर्स रेस में लेस देन 500 रुपए है तो वेगर है, पर 500 रुपए से ज्यादा है तो वेगर। क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? 500 रुपए से ज्यादा लगाए मतलब घोड़ा ट्रेंड है तो वेगर नहीं है, 500 से कम लगाए तो हॉर्स इज नॉट ट्रेंड, इट इज वेकर। मानना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट बोलता है सर, कुछ नहीं बोल सकते हैं। पर चलो, ये चार खत्म हो गए। ये चार कौन से थे? वेगर यानी वॉइड, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, स्पेकुलेटिव, हॉर्स रेस। अब आते हैं जरा चार ढंग के, चिटफंड, शेयर मार्केट, गेम ऑफ स्किल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। चिटफंड्स, फीमेल चिटफंड चलाते हैं, सब लोग एक बार, 1 महीने में एक बार मिलते हैं बुराइयां करने के लिए एक जगह, सब लोग वहां पर चिट डालते हैं, जिसकी चिट खुल जाती है अगली पार्टी उसकी, वो नाश्ता वाश्ता कराएगी, थोड़ा बहुत उसको सब लोग कंट्रीब्यूट करके पैसे दे देते हैं, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। चिट फंड में कुछ पर्सन डिसाइड करते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ देना, जो लगते हैं वेगर जैसे, पर वेगर नहीं है क्योंकि लॉटरी नहीं है, फिक्स लोग हैं। आज मेरी चिट खुल गई तो अगले 30 महीने तक मेरी चिट नहीं खुलेगी, कि 30 मेंबर है, मेरी चिट बाहर हो गई फिर नेक्स्ट की खुलेगी, तो वो लॉटरी नहीं है। आगे ना पीछे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, देयरफॉर दिस इज नॉट वेकर। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जिसमें आप गुड्स और शेयर की डिलीवरी लेते हो, गुड्स और शेयर की डिलीवरी जाती है आपके डीमैट अकाउंट में, जिसको हम लोग डीमटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं। अगर आप गुड्स और शेयर्स की डिलीवरी लेते हो तो फिर वो वेगर नहीं है, आपने उसमें नॉर्मल शेयर्स खरीदे हैं। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक्स है, अगर कोई एथलेटिक कॉम्पिटिशन है जहां पर प्राइज अवार्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस, तो फिर वो ऑफकोर्स की बात है वेगर नहीं है, सिर्फ वेगर जैसे लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी इसमें आता है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज क्लेम नहीं मिलेगा, वो अनसर्टन है। गाड़ी का एक्सीडेंट होना किसी के हाथ में है क्या? नहीं। तो सर, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होना किसी के हाथ में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को फिर आप वेगर बोलोगे, पर फिर गवर्नमेंट ने क्लियर करा कि ये वेगर नहीं है। वेगर क्यों नहीं है? क्योंकि भले किसी अनसर्टेन इवेंट पर है, बट सर यहाँ पर पैसा कमाना या देना किसी का मोटिव नहीं है, मैं अपना इंटरेस्ट, अपनी रिस्क सिक्योर कर रहा हूँ, और एक कंपनी का मोटिव पैसे कमाना है, वो अपने आप को इंश्योरेंस करके दे रही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बट वेगर नहीं है, वो वैलिड है। क्लियर है? पक्का? सो दिस वॉज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3।
one of the very, very important units of your entire Indian Contract Act, rather I would say entire business law for CA Foundation. अब इस लेक्चर को आप बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज कर सकते हो, जब भी आप ICA यूनिट 3 रिवाइज करने बैठो, आई जस्ट टुक 1 hour रफली 9 minutes, 1 hour 10 minutes में सब कवर अप हो जाएगा. 1 hour 10 minutes स्पीड बढ़ा के सुन लो अगर परफेक्टली याद है तो, नहीं याद है तो आप 1 hour 10 minutes आराम से सुन लो. 1 hour 10 minutes में आपका पूरा ICA मैंने कवर करा है विद एग्जाम्पल केस लॉ, और एक भी पॉइंट स्किप नहीं करा है, अंदर का कंटेंट भी समझाया है और एक्सप्लेनेशन दिया है विद एग्जाम्पल्स. 1 hour 10 minutes में पूरा लेक्चर कवर अप करा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 के अपने हैंड रिटन नोट्स लेके बैठे. ट्रस्ट मी, इतना बड़ा यूनिट है, स्टिल 1.5 hours 1 hour 30 minutes मैक्स आपको पूरा ऑन टेप्स रिकॉल हो जाएगा, बस उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाना. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू.